फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले, मैंने आपको बताया था आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल। मतलब कि जैसे कैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी भी हमने कंज्यूम की होती है, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, उसके रुपए कैसे निकाले जाते हैं, उसकी कीमत कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो हम लोग आज वो करने वाले हैं। ठीक है, टू देखिए क्या बताने वाला हूँ आज, बिल्कुल वही है न्यूमेरिकल कल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का करवाया था, वही न्यूमेरिकल है। लेकिन आज उसमें उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी हमने कंज्यूम की है, उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस जैसा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हो ना, बिल्कुल वही फॉर्मेट जैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मेट है, वैसा ही आप इस न्यूमेरिकल को वहाँ तक करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने तक। उसके बाद सिर्फ एक स्टेप और बढ़ जाता है इसमें। एक स्टेप क्या होता है कि जो रेट दिया होता है, क्या दिया होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो रेट दिया होता है, जो दर दी होती है, उसको क्या करेंगे आप, जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस रेट से। मान लो वो कह रहा है कि रेट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 3 रुपये पर किलो वॉट, तो मान लो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आई है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 किलोवाट आई है, तो कितनी हो जाएगी, 100 किलोवाट आई है और 1 किलोवाट का रेट कितना है, 3 रुपये, तो कितनी हो जाएगी, 100 × 3, तो 300 रुपये आपका क्या आ जाएगी, उसकी कॉस्ट आ जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, बस एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। मैंने बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैसे ही निकलेगी, बस जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी उसको आपको क्या करना है, जो रेट दिया होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का, उससे आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो और बाकी कुछ नहीं करना, बाकी वही स्टेप है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में, क्या कह रहा है कि आ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट फॉर 10 आवर्स अ डे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलो वॉट। ठीक है, वो कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है, एक फ्रिज है, जिसकी पावर रेटिंग, उसकी पावर रेटिंग कितनी है, 350 वॉट। ठीक है, और वो 10 घंटे चलता है, ऑपरेट फॉर अ 10 आवर्स अ डे, 10 घंटे चलता है एक दिन में। तो बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस फ्रिज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट निकालो एक महीने की, ठीक है, 30 दिन की। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट है वो 3.40 पर किलोवाट है। ठीक है, समझ गए, फ्रिज है 350 वाट का, 10 घंटे चल रहा है एक दिन में, तो आपसे बोल रहा है कि उस फ्रिज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो कि एक महीने में उसकी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कीमत कितनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस फ्रिज ने एक महीने में कंज्यूम की, उसकी कीमत निकालो कह रहा है। और जबकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट है वो 3.40 पर किलोवाट दे रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, उसके बाद जो रेट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए पहले पावर देखिए, पावर कितनी है, 350 वॉट, क्या है, 350 वॉट है। ठीक है, तो उस पावर को हम किलोवाट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350/1000, तो कितना आ जाएगा, 0.35 किलोवाट। ठीक है, अब टाइम देखो, टाइम दे रखा है आवर्स में 10 आवर्स। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि फ्रिज 10 घंटे चल रहा है एक दिन में, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट निकालनी है पूरे महीने की। तो एक दिन में 10 घंटे चल रहा है, तो 30 दिन में कितना चलेगा, 10 × 30 यानी कि 300 घंटे चलेगा। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर 10 आवर्स ना लेके हम क्या लेंगे, 300 घंटे लेंगे। क्यों, क्यों बोल रहा है, एक दिन में फ्रिज 10 घंटे चल रहा है तो आपको 30 दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट निकालनी है। जब एक दिन में 10 घंटे चल रहा है तो 30 दिन में कितना चलेगा, 10 × 30 300 आवर, तो 300 घंटे चलेगा एक महीने में। ठीक है, और कितने वाट का फ्रिज है, 0.35 किलोवाट का, बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल दो, पावर हो जाएगी 0.35 और टाइम हो जाएगा 300, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.35 × 300, तो कितना आ जाएगा, 105 किलोवाट। तो मतलब एक महीने में जो फ्रिज है वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 105 किलोवाट आर। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कॉस्ट निकालो, क्या निकालो, कॉस्ट निकालो, तो जाहिर सी बात है भैया 105 किलोवाट आर एनर्जी
क्या है, जो फ्रिज है वो एक महीने में क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और एक किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कीमत कितनी है, 3 रुपये 40 पैसे। ठीक है, तो 105 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की कीमत कितनी होगी, 105 इंटू 3.40 रुपये। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 357 रुपये। तो मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्रिज एक महीने में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रिज की जो कॉस्ट होगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रिज कंज्यूम करेगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 357 रुपये। कितनी होगी, 357 रुपये। ठीक है, तो ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको जो रेट दिया हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उसको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर, तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप ये। ठीक है,